नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिग्गजों के परिजनों की मिली हार, सीता साहू ने बचाई अपनी गद्दी। बीएसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। विशेष समिति ने मांगी सरकार से विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी सुनेंगे बिहार के जीविका मॉडल की कहानी। अर्शदीप आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनआईटी ने 100 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल ने विभिन्न डिसिप्लिन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिलाकर 100 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रेलिवेंट डिसिप्लिन में पीएचडी डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nitw.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। दिग्गज के परिजनों को मिली हार, सीता साहू ने बचाई अपनी गद्दी। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। पटना नगर निगम चुनाव में एक बार फिर से सीता साहू को जीतने में कामयाब रही। वही पटना नगर निगम में डिप्टी मेयर के लिए हुए चुनाव में रेशमी चंद्रवंशी जीतने में सफल रही, जिन्होंने अंजना गांधी को हराया है। दूसरे चरण के हुए चुनाव में जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की बहू सुरभि घई अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई, तो वही बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की पत्नी संध्या मेयर का चुनाव हार गई। इधर चनपटिया से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह की भाभी बिना सिंह नगर निकाय चुनाव में वार्ड का चुनाव हार गई। इधर अररिया के नरपतगंज नगर पंचायत में मेडिकल की छात्रा सन्नू कुमारी 5,493 वोट से जीतने में कामयाब रही। बता दी कि सन्नू कुमारी डीएमसीएच में मेडिकल प्रथम वर्ष की छात्रा है। बिहारी बोधरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में। कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म आज के दिन 1898 में बिहार के पटना जिले में शेखपुर नामक गांव में हुआ था। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। कृष्ण वल्लभ सहाय 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1923 में सहाय ने समाज पार्टी के मंत्री के रूप में बिहार विधान परिषद में प्रवेश किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वामी सहजानंद द्वारा चलाए गए किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से सहयोग किया था। केवी सहाय ने बिहार में मंत्रीय पद प्राप्त किया और सन 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। उन्हें अपनी सुसंगता और सामंजस्य के लिए अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्टता के लिए बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल श्री गैट से सर एडवर्ड अल्बर्ट गैट गैट के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। उनकी कृतियां बिहार विधानसभा में रखी हुई है। बीएसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। बीएसएससी की तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा की पेपर लीक मामले को लेकर जिन भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है उनसे पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जल्द ही कोर्ट से भी अनुमति ले ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएससी पेपर लीक मामले में जिन लोगों को रिमांड पर लिया जाएगा उनमें सुपौल के रहने वाले दरोगा के बेटे अजय कुमार, बीएसएससी के प्रश्न पत्र को हल करने वाले रवि राज और अजय को सॉल्वर गैंग से मिलवाने वाले कैलाश साह का नाम शामिल है। इन तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। पटना मेट्रो की भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य मार्च से होगा आरंभ। डीएमआरसी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो की भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य मार्च 2023 से शुरू कर दिया जाएगा, जिसे पूरा करने का समय सितंबर 2025 तक निर्धारित किया गया है। फिलहाल सुरंग के निर्माण करने को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा टनल रिंग सेगमेंट के पहले बैच को ढालने का कार्य शुरू किया गया है। बता दें कि इस टनल का निर्माण कार्य मोइनुल हक स्टेडियम से शुरू होकर पटना वीवी और फिर आगे के स्टेशनों तक दो चरणों में काम किया जाएगा। अधिकारियों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भूमिगत सुरंग का निर्माण जमीन से 15 से 20 मीटर किया जाएगा। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इन परियोजनाओं को किया जाएगा बेहतर।
बिहार में सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया जा सके और फसलों का उत्पादन अधिक किया जा सके, इसके लिए कोसी और गंडक परियोजनाओं को और भी बेहतर बनाया जाएगा। और अब बाढ़ खत्म होने के बाद दोनों नदियों में जलस्तर और इनसे निकलने वाली नहरों के बेहतर प्रबंधन से संभावित सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। बता दें कि यह दोनों नदियां नेपाल से बिहार में आती है। इसके लिए भारत और नेपाल के बीच अप्रैल 2022 में आधा दर्जन से अधिक मुद्दों पर सहमति भी बनी। इस परियोजना के तहत पूर्वी कोसी नहर से करीब 5 लाख हेक्टेयर तो वहीं पश्चिमी कोसी से करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई शामिल होगी। फिलहाल अभी पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसे मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। विशेष समिति ने मांगी सरकार से विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट। विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से पिछले दिनों 7 सदस्यीय विशेष कमेटी की गठन की गई थी, जिसके बाद उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा सरकार से सभी 14 विश्वविद्यालयों की स्थिति, सत्रों की स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि इस रिपोर्ट में कहां कहां सत्र विलंबित है, कौन सी परीक्षा होनी थी, कौन सी परीक्षा हो रही है, कौन सी परीक्षा होने वाली है, सत्र नियमित करने के लिए विश्वविद्यालयों की ओर से क्या क्या प्रयास किए गए हैं, सत्र विलंब का क्या कारण है, जैसी कई जानकारी मौजूद होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार ही कमेटी भविष्य की रणनीति तैयार करेगी और सरकार को सुझाव देगी, जिसके बाद सरकार अपने स्तर से पहल की शुरुआत करेगी। गंगा में नाव डूबने से 7 लापता। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के मनेर थाने के महावीर टोला गंगा घाट में अवैध बालू लदी हुई नाव गंगा में डूब गई। बता दें कि इस नाव में कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोग नाव डूबने से अभी भी लापता है। नाव डूबने की घटना की सूचना पाकर फौरन स्थानीय पुलिस और NDRF की टीम घटना स्थल पर पहुंची और उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो नाव डूबने से लापता हो गए। हालांकि जिन लोगों को डूबने से बचाया गया था उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। बता दें कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये सभी 12 लोग नाव पर सवार होकर पशुओं के लिए चारा लाने गए थे। सीएम उद्यमी योजना की पहली किस्त का उपयोग नहीं तो राशि वापस लेगी सरकार। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने सीएम उद्यमी योजना का लाभ उठाया है और उसके तहत मिली पहली किस्त को उपयोग नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब ऐसे लाभार्थियों से पहली किस्त उद्योग विभाग वापस ले लेगी। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को मौका दिया है कि सीएम उद्यमी योजना के तहत दी गई पहली किस्त को 15 जनवरी तक सभी लाभार्थी उपयोग में लाएं और साथ ही उपयोगिता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो दी गई प्रथम किस्त को विभाग वापस ले लेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए बिहार के बोधगया पहुंचे। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार महाबोधि मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार और दलाई लामा के बीच मुलाकात हुई हो, बल्कि नीतीश कुमार हर साल दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए बोधगया पहुंचते हैं। इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार और दलाई लामा के बीच बौद्ध धर्म और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा की गई। वहीं सीएम की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 1 महीने के लिए प्रवास पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सुनेंगे बिहार के जीविका मॉडल की कहानी। नई दिल्ली में 5 से 7 जनवरी के बीच आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जीविका मॉडल की कहानी सुनेंगे और यह जानेंगे कि किस तरह महिला सशक्तिकरण और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली कंपनी को लाभ हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश भर के मुख्य सचिव और आला अधिकारी भी शामिल होंगे। बिहार के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस में इन दिनों विषयों पर ही प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू किए जाने का फैसला लिया गया है। वहीं बिहार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में जनक माना जाता है। देश भर में लगाए गए कुल स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लगभग 90% स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में लगाया गया है। बिहार में शीतलहर के साथ बढ़ी कनकनी। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह प्रचंड ठंड की ओर अग्रसर है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। वहीं अभी तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने का संभावना है। BAU के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार के अनुसार पश्चिमी हवा में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है।
तत्काल ठंड से राहत की कोई संभावना नहीं है, बल्कि तापमान में और कमी की संभावना है, यानी ठंड और कनकनी और बढ़ सकती है। बिहार के अन्य शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान लगातार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। पूर्वी चंपारण में 7.5 डिग्री सेल्सियस और शेखपुरा में 7.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो नवादा और औरंगाबाद में औसत अधिकतम तापमान ज्यादा रहा। नए साल में दुल्हन की तरह सजा पटना का इस्कॉन मंदिर। बिहार की राजधानी पटना में स्थित इस्कॉन मंदिर को नए साल के पहले दिन बड़े ही खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। आकर्षक लाइटिंग और विदेशी फूलों से इसे भव्य रूप से सजाया जाएगा। इस काम के लिए कोलकाता से कलाकारों को बुलाया जा रहा है। नंद गोपाल दास जो कि इस्कॉन के बिहार प्रवक्ता है, उन्होंने जानकारी दी कि फूलों को हैदराबाद के साथ साथ विदेशों से भी मंगवाया जा रहा है, जिसमें मॉरिशस और थाईलैंड जैसे देश शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार नए साल में यहां लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आपको बता दें कि देश भर के इस्कॉन मंदिर साल के आखिरी दिन रात 12 बजे तक खुले रहते हैं। इस बात की जानकारी बिहार प्रभारी कृष्ण कृपा दास ने दी। सीयूईटी पीजी आवेदन प्रक्रिया के लिए जारी हुई तिथि। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी के द्वारा पीजी 2023 के आवेदन प्रक्रिया के लिए तिथि जारी कर दी गई है। जारी की गई तिथि के अनुसार आवेदन करने की तारीख 10 मार्च 2023 से शुरू की जाएगी, जो कि 10 जून 2023 तक चलेगी। रिजल्ट जुलाई 2023 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय को जुलाई अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त कर लेना होगा। हालांकि अब तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सीयूईटी पीजी 2023 के लिए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीयूईटी 2023 की परीक्षा कुल 26 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसके लिए देश में कुल 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। विमेंस अंडर 15 में बिहार ने सिक्किम पर दर्ज की शानदार जीत। विमेंस अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने अपने तीसरे मैच में सिक्किम के खिलाफ खेलकर 204 रन से शानदार जीत दर्ज की। बता दें कि यह मैच भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। इंदौर के सिंधिया स्कूल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद बिहार की टीम के द्वारा 36 ओवर में 4 विकेट खोकर कुल 231 रन बनाए गए, जिसके जवाब में खेलने उतरी सिक्किम की टीम ज्यादा देर मैदान में नहीं टिक पाई और पूरी टीम ने 16.5 ओवर में महज 27 रन पर ऑल आउट हो गई। आलम यह रहा कि विपक्षी टीम का कोई भी बल्लेबाज दहाई अंक भी नहीं बना सका। संभल कर मनाए नए साल का जश्न। पटना के हर क्षेत्र में चलेगा विशेष अभियान। एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो के द्वारा नए साल के दौरान विधि व्यवस्था ठीक करने को लेकर स्पेशल प्लान बनाया गया है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नए साल के मौके पर इस बार बहुत भीड़ लगने वाली है। ऐसे में 4 दिनों तक यानी कि 31 से 3 जनवरी तक सभी फ्लाई ओवरों पर पुलिस के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान मनचलों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। वहीं सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने इलाके में विशेष चेकिंग चलाकर मनचलों और बाइकर्स को पकड़े। जिले के सभी थानाध्यक्षों से संवेदनशील इलाकों की सूची मांगी गई है, जिन पर विशेष नजर रखा जाएगा। बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने दिया इस्तीफा। बीते दिन बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार बीजेपी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। पार्टी के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज से जुड़े नेताओं का लगातार अपेक्षा की जा रही है। उन्हें सिर्फ झंडा ढोने वाला बनाकर रखा गया है। यही कारण है कि आज मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और पार्टी द्वारा जो दिया गया पद है, दोनों से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरी गृह जिला नालंदा है। जिस तरह से नालंदा में पार्टी की कमेटी बनाई गई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि पार्टी कहीं से भी नरेंद्र मोदी के विचारधारा और उनके सिद्धांत को नहीं मानती। इसलिए मैंने संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें पत्र भी लिखा है। वृंदावन की गलियों में नजर आए तेज प्रताप यादव, खुद को बताया भक्त। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव इन दिनों मथुरा में है, जहां वो वृंदावन की गलियों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस भ्रमण के दौरान उन्होंने बांके बिहारी जी की प्रकट स्थली निधिवन के दर्शन किए और एक आम भक्त की तरह करीब 1 घंटे तक निधिवन में भ्रमण करते रहे। वहीं इस दौरान जब तेज प्रताप यादव से मीडिया से आरक्षण के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहां कुछ नहीं बोलूंगा, मैं यहां भक्त के तौर पर आया हूं, न कि किसी नेता के तौर पर। मैं यहां कृष्ण की भक्ति और उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि उनका ब्रज से पुराना नाता है, उन्हें यहां ताकत मिलती है।
विजय सिन्हा के बयान पर नीतीश कुमार का पलटवार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बोधगया में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इससे अच्छा क्या होगा, उनको कहिए कि खुशी मनाए, खूब खुशी मनाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा नीतीश कुमार को लेकर यह कहा गया था कि लालू यादव उन्हें गद्दी से उतारने का प्लान बना चुके हैं, तेजस्वी यादव उन्हें बर्खास्त कर कुर्सी पर बैठेंगे। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखाकर उनसे यह सब काम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को यह समझना चाहिए कि जब तक यह विमान खरीदा कर आएगा तब तक वह सत्ता में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके बड़े भाई लालू यादव उन्हें गद्दी से उतारने का पूरा प्लान बना चुके हैं, यह बात सभी जानते हैं। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने बीजेपी को घेरा। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार के हेलीकॉप्टर और जेट खरीदारी के फैसले के बाद से हो रहे बयानबाजी को लेकर सुशील मोदी से सवाल पूछते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, छोटे मोदी 8500 करोड़ का दो दो विमान बड़े मोदी जी के लिए खरीदा गया है। बीजेपी के सीएम ने हिमाचल में 6 हेलीकॉप्टर और अपने लिए खरीदा है। वहीं अगर हर राज्य की बात करें तो बीजेपी सरकार ने 200 से 300 करोड़ विमान हेलीकॉप्टर की खरीद पर खर्च किया है, लेकिन सुशील मोदी को सिर्फ बिहार के नाम पर ही पेट में दर्द क्यों होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश सरकार के हेलीकॉप्टर और जेट खरीदारी के फैसले के बाद विपक्ष की ओर से लगातार सियासी बयानबाजी की जा रही है। स्कीमों पर सरकार ने बढ़ाई ब्याज दरें। वैसे लोग जो किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं, एनएससी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, यह खबर उनके लिए है। दरअसल सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च तक के लिए इन बचत योजनाओं के ब्याज दरों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि कुछ ऐसे भी योजना है जिसके ब्याज दरों में वित्त मंत्रालय के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिनमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजना शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया गया है। अर्शदीप आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट। भारत के बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। उनके साथ इस सूची में अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान, साउथ अफ्रीका के मार्क जॉनसन और न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम भी शामिल है। आईसीसी के अनुसार इस अवार्ड के लिए वोटिंग अगले साल जनवरी में की जाएगी। बता दें कि अर्शदीप ने 23 साल में इसी साल नेशनल टीम में डेब्यू किया। उन्होंने अब तक 3 वनडे और 21 T20 इंटरनेशनल खेला है। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप भी खेला है, जिसमें उन्होंने 6 मैच में 10 विकेट लिए। वर्ल्ड कप के बाद अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में वनडे में डेब्यू किया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। पेशवा बाजीराव द्वितीय को 1802 में ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन शुरू किया। राजीव गांधी 1984 में 40 वर्ष की उम्र में भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीवन की शुरुआत की। बाद में वे भारतीय टीम के कप्तान भी बने। परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान ने 1988 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ। भारत और सार्क के दूसरे देशों के विदेश सचिवों ने 2003 में शिखर सम्मेलन से पहले वार्ता शुरू की। बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय का 1898 में जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का 1926 में निधन हुआ था। बुंदेलखंड में आज हम बात करेंगे 2000 रुपए के नोट बंद होने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 2000 रुपए के नोट बंद होने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार 2023 में 1000 रुपए के नोटों को मार्केट में दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि पुराने 2000 रुपए के नोटों को मार्केट में बंद किया जाएगा। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, कृपया ऐसे भ्रामक मैसेज फॉरवर्ड ना करें। फेसबुक मैसेंजर के जरिए ऐसे भेजे SMS। SMS के जरिए हम आज भी बिना इंटरनेट के अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। बता दें कि एंड्रॉइड यूजर्स के पास फेसबुक मैसेंजर को अपनी डिफॉल्ट SMS ऐप के रूप में सेट करने का विकल्प मिलता है। इसके बाद यूजर्स ऐप में फेसबुक चैट के अलावा SMS और MMS मैसेज भेजने के साथ प्राप्त ही कर सकते हैं। अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर फेसबुक मैसेंजर ऐप खोलें, फिर ऊपर की तरफ राइट में प्रोफाइल आइकन पर टैप करें, अपनी प्रोफाइल पर जाएं। इसके बाद प्रेफरेंस टैब पर जाकर SMS ऑप्शन को चुनें। अंत में SMS सुविधा के लिए टॉगल चालू कर ऑन करें।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, कन्हैया कुमार, रवि रंजन सिंह, नुन्नू गोलू कुमार, रमाकांत सिंह, कुश कुमार यादव, रूपेश कुमार, रविन्द्र पासवान, अजीमा फिरदौस, ज्योति कुमारी, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, अमन कुमार महतो, प्रहलाद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, 2023 यानी कि नए साल में आपका क्या रिजोल्यूशन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।